हाय दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी उत्तर प्रदेश बनारस से। दोस्तों, मैं आज आपको बिगर हारमोनियम का ओल्ड ट्रैक पे सॉन्ग लिखना सिखाऊंगा। आप कैसे बहुत आसानी से लिख सकते हो बिगर हारमोनियम का सॉन्ग, वो भी ओल्ड ट्रैक पे। ओल्ड ट्रैक पे तो सॉन्ग मान लो लिखते ही हैं सब लोग, लेकिन बिगर हारमोनियम का कैसे लिखते हैं बहुत आसानी से, वो मैं तरीका आपको बताऊँगा। अभी तक कोई बताया नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक आया था सॉन्ग, ककड़ी भइल बा कमरिया लपक के, ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा था समर सिंह का। तो मान लो उसी धुन पे हमको सॉन्ग अगर लिखना है, तो हमको कुछ करना नहीं है, उस सॉन्ग को अच्छे से हमको याद करना है, और उसका जो धुन होता है वो अपने दिमाग में हमको लेना है। यानी उसका डेमो हमको लेके उस तरीके पे, मतलब दूसरा सॉन्ग जब बनाना है तो उसको अपने दिमाग में रियाज करना है। और कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं उसी धुन पे सॉन्ग लिखा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ककड़ी भइल बा कमरिया लपक के, तो उसी धुन पे लिखा हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे लिखा है आवत बावे हो बहुते जमहाई, तो हमको क्या बोलना है, डारा डा डारा हो डारा डा डाई। फिर नीचे क्या लिखा है, कहवा हम जाई हो कैसे बताई। फिर हमको क्या बोलना है, डारा डा डारा हो डारा डा डाई। फिर ये 2 बार हो जाएगा। उसके बाद में फिर नीचे नीचे की लाइन देखते हैं, अरे बड़ा मन करे ला महिया में कस के, अरे डारा 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 डा डारा डा डारे, आवा ना मारी कमरिया रगड़ के, लेला ना माजा कमरिया पकड़ के। तो हमको क्या बोलना है, डारा डा डारा डा डारा डा डारा डारा डा डारा डा डारा डा डारा। तो आपका अंतरा कंप्लीट हो जाएगा। आप 10 से 15 बार ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में शब्द आने लगेगा। आप करके देख लीजिए, मेरी पूरी गारंटी है। मैं ऐसे ही सॉन्ग लिखता हूँ, हर राइटर ऐसा ही लिखता है, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। 10 से 15 बार में अगर नहीं हो गया तो मैं राइटिंग करना आज से छोड़ दूंगा। यही तरीका है मेन, कोई लेकिन बताता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर अंतरे पे आते हैं, ओ साया साड़ी पसी झतबा, चोली गर्मी से भी जतबा। तो हमको क्या बोलना है अपने दिमाग में, ओ डारा डारा डा डारा डा डा डारा डारा डा डारा डा डा। तो जब ऐसा आप डारा डारा ऐसे करेंगे ना, तो अपने अपने आप दिमाग में मतलब शब्द आने लगेगा। यानी कि आप कल्पना करिए, मतलब हमको किस धुन पे लिखना है, बेवफाई लिखना है या आइटम सॉन्ग लिखना है, तो उसी धुन पे मतलब आप सोचिए, और ये धुन आप अपने दिमाग में ऐसा करिए, तो ऑटोमेटिकली शब्द आने लगेगा। तो फिर आइए क्रॉस लाइन देखते हैं, अरे लहे लहे मारा ना खूबे उछल के। तो हमको बोलना है, अरे डारा 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 डा डारा डा डारा, आवा ना मारा कमरिया पकड़ के, लेला ना माजा बदनिया जकड़ के, डारा डा डारा डा डरिया डा डारा डारा डा डारा डा डरिया डा डारा। मतलब आवा ना लिख के मैं डैश डैश इसलिए लिखा हूँ कि जो यहाँ ऊपर पे लिखा गया है, इसलिए मैंने डैश डैश लिखा हूँ। सॉन्ग कभी भी लिखते टाइम पे ऐसा ही लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा लिख के डैश डैश किया जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और जो ऊपर है मतलब उतना समझ लिया जाता है, उतना हिसाब से लिखा जाता है। हर क्रॉस लाइन देखिए कैसे लिखा गया है। यहाँ पे 2 लाइन लिखने के बाद में मैं यहाँ से भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ से लिखना है हमको, ताकि समझने वालों को भी, देखने वालों को भी लगे कि हाँ मतलब कुछ तो है, इसके लिए तो ऊपर नीचे लिखा गया है। तो बस ऐसा ही दोस्तों, आप कोई भी सॉन्ग लेके देख लीजिए डेमो, ऐसा ही होता है। मैं एक बार आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बताऊंगा। देखिए, डारा डा डारा हो डारा डा डाई, डारा डा डारा डा डारा डा डाई, अरे डारा 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 डा डारा डा डारा, डारा डा डारा डा डरिया डा डारा, डारा डा डारा डा डरिया डा डारा। ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी है सॉन्ग लिखने में। तो दोस्तों, अगर कहीं किसी को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हर कमेंट्स पे होगी जेपी पाल भोजपुरिया की नजर। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।